क्या आपको मालूम है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पीपीएससी के थ्रू पंजाब पुलिस में 277 स्टेनोग्राफर की सीट्स का ऐलान किया गया है और इसी के हवाले से आज की वीडियो में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यूट्यूब चैनल लाइफ विद तहमीना खान को फॉलो नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर तहमीना खान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट में 277 यानी कि 277 असामियाँ स्टेनोग्राफर की सीट्स अनाउंस की गई हैं और इसकी कुछ डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इस तरह से हैं कि स्टेनोग्राफर के लिए जो स्केल है वो 15 है, बीपीएस 15 15वें स्केल की ये नौकरी है और इसमें तालीमी काबिलियत की क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बीएस ऑनर्स किया हुआ हो, ग्रेजुएशन किया हो, सिंपल बीए किया हुआ हो तो कम अज़ कम मतलब मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और स्केल इसका 15 होता है। इसमें दूसरा अहम पॉइंट ये है कि आप लोग जो कोई भी इसमें विलिंग हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए तो 70 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। बेसिकली ये कंप्यूटर वर्क होगा और टाइपिंग स्पीड का आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, 3 मंथ्स का डिप्लोमा हो, एमएस ऑफिस वर्ड का काम आता हो और उस डिप्लोमे को कंसीडर किया जाएगा। क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन आप लोग की चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा, 3 मंथ्स एमएस ऑफिस वर्ड का काम जिन स्टूडेंट्स को या जिन कैंडिडेट्स को आता होगा तो डेफिनेटली वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू दी गई हैं। अगर आप लोग इन तमाम चीज़ों पे पूरा उतर रहे होंगे तो फिर ही आप मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, उम्र की हद की अगर हम बात करें एज कितनी होनी चाहिए, 18 to 25 years एज होनी चाहिए गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन इसमें इस तरह से है कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए 33 साल की उम्र तक वो लोग अप्लाई कर सकती हैं अगर वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, और अगर हम मेल की बात करते हैं तो वो 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अदरवाइज 18 से लेकर 25 years तक आप लोगों की एज इसमें रिक्वायर्ड है। तो व्यूअर्स, अगला जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि इसमें डोमिसाइल आप लोगों का होना बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि डोमिसाइल तो हमारे पास है नहीं, डोमिसाइल बेसिकली रिक्वायर्ड होता है अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना हो। मैं आपको बताऊं कि पूरे पंजाब भर में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 ज़िले हैं, तो हर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट का अपना रेलेवेंट ज़िले का डोमिसाइल होता है और आप अपने डोमिसाइल जो आपके रेलेवेंट ज़िले का है उसकी बेसिस पे ही आप लोग अप्लाई करेंगे। तो जिन लोगों ने अपना डोमिसाइल नहीं बनवाया तो वो अप्लाई करने से पहले अपना डोमिसाइल लाजमी बनवाएं, तो आपके रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल इसमें रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि इसमें आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली आपका रिटन टेस्ट नहीं होना, आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो इसमें आप लोगों के 3 तरह के टेस्ट हैं जो पीपीएससी की तरफ से कंडक्ट किए जाएंगे। पहला टेस्ट आप लोगों का है इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, उसमें 70 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग की जाएगी, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपका ये टेस्ट आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसका होगा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपकी आप लोग करेंगे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। पहला आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट है, दूसरा आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है जो 40 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होगा। जो शख्स ये दोनों, जो कैंडिडेट ये दोनों टेस्ट पास कर लेगा उसका तीसरा टेस्ट होगा और वो एमएस प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। एमएस वर्ड प्रोफिशिएंसी
टेस्ट लिया जाएगा, एमएस ऑफिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है उन्हें इन तमाम वर्ड टर्म्स का आइडिया होगा। तो ये तीन टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप ये तीन टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो यू विल बी सेलेक्टेड एज अ स्टेनोग्राफर इन पंजाब पुलिस। सो दिस ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ 277 सीट्स ऑफ स्टेनोग्राफर अनाउंस्ड बाई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये तमाम डिटेल्स हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा कि हर नई आने वाली जॉब की अपडेट मैं आपको देती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।